नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर बिहार में तमाम पार्टी समर्थन दे रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ तमाम विपक्षी दल के नेता ने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी, बिहार बीजेपी अभी भी जातीय जनगणना को समर्थन नहीं दे रही है। साथ साथ ये बातें कह रही है कि जातीय जनगणना करने से जात में मतभेद, लोगों में मतभेद फैलेगा, जातीय मतभेद फैलेगी। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री सुभाष सिंह, जरा आप सुनिए। अभी तक तो नहीं हुआ है, तभी तो विकास हो ही रहा है। जातीय जनगणना से ज्यादा महत्व तो हम लोग देते हैं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, उसकी गणना होनी चाहिए। उसमें जाति का नाम नहीं है, क्योंकि हर पार्टी तो कहती है कि जात पात मिटाना है, तो जात पात कैसे मिटेगा जब जातीय जनगणना का चिंता सब लोगों को सताते रहेगा, तो जात पात को तो बढ़ावा मिलेगा इससे, जात पात मिटेगा नहीं। सर, नुकसान किसको होगा, जनता को होगा या बीजेपी को, उपेंद्र कुशवाहा का इशारा क्या लगता है क्या नुकसान करते हैं? ना, अपना अपना विचार है, सब लोगों का अपना अपना सोच है, क्या सोचे कह रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से, क्योंकि हम लोग सबका साथ सबका विश्वास पर पार्टी चलती है, उसी सूत्र के आधार पर, तो उसमें जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं सबके लिए योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे गैस चूल्हा हुआ, शौचालय हुआ, या सड़कों का विकास, पुल पुलिया जो भी हो रहा है, चाहे फ्री राशन, तो गरीब लोगों को ही ना दिया जा रहा है। लेकिन अब इसको क्या जाति, हर जाति के लिए अलग अलग राशन का मात्रा रहेगा का, उसका कैटेगरी रहेगा का, तो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं, उसमें सभी जाति के लोग सभी धर्म को लगाते हैं। तो हम लोगों का जो सोच है, अब प्रधानमंत्री तक बात पहुंची है, बहुत गौर से सुने भी हैं, अब उस पर क्या निर्णय लेते हैं वो तो सबको मान्य होगा, लेकिन मेरे विचार से उचित नहीं है। और समाज के दबे कुचले लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं, तो इस फिर जात पात वाले लोग आज लोग चिल्ला रहे हैं का आरक्षण का लाभ गरीब लोग, सुरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर कौन गरीब को कौन टिकट देता है? सब लोग बड़े बड़े एक ही परिवार के 8-8 लोग चुनाव लड़ते हैं, वही जीत के आते हैं, उन्हीं के लिए सुरक्षित रहता है, तो उस समय उनका जात याद नहीं आता है। तो जाति, किसी विशेष जाति को अगर आरक्षण मिलता है तो वही लोग, गिने चुने लोग ही लाभ उठाएंगे, लेकिन अगर आर्थिक रूप से जो लोग लाचार हैं, जो पीड़ित हैं, जो कमजोर हैं, उनके उत्थान के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो उसमें समाज के अनेकों हर जाति हर धर्म के लोग आ जाएंगे। तो बेहतर तो यही ना होगा कि जातीय जनगणना नहीं करके आर्थिक जनगणना कराया जाए? मुख्यमंत्री को क्या पुनः विचार करना चाहिए आर्थिक जनगणना को लेकर? मुख्यमंत्री जी को हम क्या सलाह देंगे? मुख्यमंत्री जी तो बहुत बड़े लोग हैं, अब उनकी सोच क्या है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जो विचार है वो हम बता दिए। तो आपने बिहार सरकार के मंत्री सुभाष सिंह को सुना, वो अभी भी जातीय जनगणना को लेकर, जातीय जनगणना के खिलाफ में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करने से लोगों के बीच मतभेद फैलेगा। तो ये तमाम बातें बिहार सरकार के मंत्री सुभाष सिंह कह रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है जातीय जनगणना को लेकर। फिलहाल आप बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।